दहेज लोभी ससुरालियों के खिलाफ गिरफ्तारी की मांग को लेकर पुलिस अधीक्षक से मिली विवाहिता मीनाक्षी बता दी कि अमरोहा जनपद के गांव यक पगड़ी की रहने वाली मीनाक्षी की शादी राजापुर थाना क्षेत्र के गांव अटेरना के रहने वाले रोबिन के साथ हुई थी। उसका आरोप है कि शादी के बाद से ही उसको दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाने लगा, उसके साथ मारपीट की जाती थी, यहाँ तक कि उसको मारने तक का प्रयास किया गया। वे किसी तरह वहाँ से अपने घर भाग कर आ गई और मैं के आने के बाद उसने अपने दहेज लोभी ससुरालियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था, लेकिन आरोप है कि अभी तक दहेज लोभी ससुरालियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई है। वे लोग मुकदमा वापस लेने के लिए धमकियां दे रहे हैं और फैसला करने का दबाव बना रहे हैं, इसलिए वे आज न्याय मांगने के लिए पुलिस अधीक्षक दफ्तर पहुंची है और वह आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही चाहती है। मीनाक्षी कहाँ की रहने वाली? शादी ग्राम अटेरना में हुई थी। थाना कहाँ पर, कौन सा थाना क्षेत्र में रहता है? थाना रजबपुर। बताइए आज जो कप्तान साहब का आइए क्या मामला? 30 मई के दिन मेरे ससुराल वालों ने, मेरे सास ससुर और मेरे पति ने मेरे गले में फांसी का फंदा डालकर मेरी जान लेने की कोशिश की है। वो मुझे दहेज के लिए बहुत ज़्यादा परेशान करते थे। फंदा डालकर जब उन्होंने मेरी जान लेने की कोशिश की, उस समय मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि मैं बेहोश हो गई। उसके बाद मैं 4 दिन मुरादाबाद में कोसमोस हॉस्पिटल में भर्ती रही हूँ। 4 तारीख को मेरे बयान दरोगा जी ने लिए हैं। 17 तारीख फिर 5 में मेरा मेडिकल भी पूरा हो गया है। 17 तारीख को मेरे जज साहब के सामने बयान भी हो गए हैं। उसके बाद हम रोजाना सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन कहीं न्याय नहीं मिल रहा है। अभी तीनों मुलजिम अभी तीनों बाहर हैं, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। वो आए दिन हम पर फैसले के लिए दबाव बना रहे हैं, किसी भी तरह फैसला कर लो वरना तो मैं जान से मार दूँ। शादी कहाँ पर हुई थी आपकी? ग्राम अटेरना। अच्छा, क्या नाम है आपके पति का? रोबिन कुमार। तो क्या चाहते हैं आप? हम न्याय चाहते हैं, उनकी गिरफ्तारी चाहते हैं। मतलब रजबपुर पुलिस कुछ कार्रवाई नहीं कर रही, थानेदार भी लगातार फैसले का ही दबाव बना रहे हैं। वो भी कह रहे हैं कि तुम्हारी धारा हटा देंगे, मुकदमे में कुछ नहीं है, मुकदमा नहीं जीतोगे इससे तो फैसला ही कर लो तुम, वही ठीक रहेगा तुम्हारे लिए।